हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। जिले की सिर्फ 3 बूथों पर ही सूचना मिली है कि 1 घंटे 25 मिनट से लेकर 35 मिनट तक मतदान प्रभावित रहा है टेक्निकल एरर की वजह से। बाकी सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ शहर के सोनी स्कूल में हूँ, जहाँ कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून वोट डालने के लिए परिवार सहित पहुंचे हैं। उनके बेटे बाहर खड़े हुए हैं और जबकि राजेंद्र जून अभी मतदान केंद्र के अंदर हैं और अपने बूथ का मत का प्रयोग करने के बाद अभी बाहर निकलने वाले। बूथ नंबर 139 पर राजेंद्र जून की, उनके परिवार की, उनके बेटे की, उनकी पत्नी की वोट है और भी वोट कास्ट करने के बाद राजेंद्र जून सभी बूथों पर समर्थकों के साथ भी पहुँचेंगे और बूथों का जायजा भी लेंगे। जहाँ तक बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, होमगार्ड के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जिले में 200 और पूरे जिले की बात करें तो 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बहादुरगढ़ में सबसे ज़्यादा 233 मतदान केंद्र हैं। राजेंद्र जून से हम बात करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जून से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार गति पकड़ा था और आज मतदान के बाद उनको क्या लगता है कि वो अपने मत का जो प्रयोग कर रहे हैं जीत के लेकर कितने आसान्वित है। हालांकि समर्थक उनके पूरी तरीके से आसान्वित है। राजेंद्र जून वो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। जून साहब, आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? वोट हाँ जी, ये डाल दिया जी। कितने आसान्वित? मैंने अभी मिसेज ने, बहू ने और लड़के ने, चारों ने कास्ट कर दिया। कितने आसान्वित है अपने जी? जीत के लिए कितने आसान्वित? जीत में सबसे नंबर वन पे चल रहा हूँ, शुरू से नंबर वन पे चल रहा हूँ। बाकी ये सब भगोड़े चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे। मुकाबला किसी से नहीं मारा? किसी से मुकाबला नहीं है। रविंदर सिंह एकला है, 20 साल से एकला चल रहा है। तो चुनाव प्रचार के दौरान क्या ऐसी स्थिति रहेगी जिसको आपको लगा कि कोई मुकाबले में नहीं है? चुनाव परिस्थिति में देखिए, गाँव के अंदर, शहर के अंदर जो मैं गया हूँ, जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश था, उस जोश से साफ पता लगता है कि कांग्रेस की लहर है और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के पक्ष के अंदर जो ना ये लहर चल रही है। और आज जो है लोग खुश हैं और मैं भी आ रहा था, हर जगह पर मैं जो ना हाथ जोड़ के उनसे मिल रहा था, सबके मुंह में खुशी थी। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है और 70 से ऊपर सीटें भारी आएंगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बागडोर संभालेंगे। और जो 10 साल में इस बीजेपी ने हरियाणा का सत्यानाश किया है, उसको हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसको दोबारा से उठाने का काम करेंगे। देखिए, राजेंद्र जून तो पूरी तरीके से आसान्वित हैं अपनी जीत को लेकर। राजेंद्र जून का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रति लहर है और इस लहर का फायदा हर विधानसभा सीट पर मिल रहा है और 70 से ज्यादा सीटों का दावा राजेंद्र जून ने कर दिया है। हालांकि अगर बूथों की स्थिति की बात करें तो सभी बूथों पर सामान्य स्थिति है। कई बूथों पर लाइनें लंबी लगी हुई हैं और कुछ बूथों पर लाइनें हैं नहीं। अब तक की बात करें, इस वक्त तक की तकरीबन 9:30 बजे का वक्त हो चला है और ये अब तक 18 से 20% मतदान बहादुरगढ़ में हो चुका है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।